हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेमलता और आज हम बात करेंगे गमलों में मिट्टी भरने के बारे में। आज मैं बताऊंगी कि किस तरह से हम गमलों को इस तरह से अच्छी मिट्टी से भरें कि वो गमले इजीली चल जाए। जहाँ तक मैंने देखा है और सुना है तो लोग ये कहते हैं कि आपके प्लांट गमलों में इतने अच्छे से कैसे चलते हैं, क्योंकि हम जब भी लगाते हैं तो वो सूख जाते हैं। तो उसका मेनली रीज़न होता है एक तो पानी, कि हम पौधों को पानी किस तरह से दे रहे हैं और हमने कौन सी मिट्टी का यूज़ किया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज इस मिट्टी भरने के प्रोसेस को हम पूरी तरह से देखेंगे। स्टार्ट देखिए, ये है पॉट जिसमें आज मैं इस जैस्मिन के प्लांट को लगाऊंगी। सबसे पहले मैंने इसके लिए जैस्मिन का प्लांट, एक परमानेंट प्लांट है और यह एक जाड़ीनुमा पौधा बनता है, तो इसके लिए मैंने इस बड़े पॉट का यूज़ किया है। 11 इंच का पॉट है ये और आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई जो है ऊपर और नीचे में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले इसके नीचे जो हॉल है, इस हॉल को हम किसी पत्थर या किसी भी चीज़ से कवर कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें पॉटिंग मिक्स, इसके लिए हम पॉटिंग मिक्स बनाएंगे। उसके लिए कुछ हिस्सा हम लेंगे गोबर का, ये कुछ हिस्सा इसमें गोबर का है, आप देख सकते हैं। वन पार्ट हम गोबर का लेंगे और बाकी हिस्सा हम लेंगे गार्डन सोइल का। गार्डन की जो नॉर्मल मिट्टी होती है वो है। गमलों में मिट्टी जो है वो बंधे ना और पौधों को प्रॉपर फैलने के लिए, जड़ों को फैलने के लिए जगह मिले, इसके लिए हमें कम से कम 20% उसमें रेत, जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन की जो रेत होती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप देख सकते हैं ये पीली मिट्टी है, कुछ लगभग 60% के अप्रोक्स गार्डन सोइल लेनी है, 20% काउडंग यानी गोबर की खाद और 20% आपको इसमें रेत मिलानी है। और मैंने पास की नर्सरी से एक रेडी पॉटिंग मिक्स लिया है जिसमें मैंने परलाइट, वर्मिक्यूलाइट और कोकोपीट सब मिक्स है, तो मैं इसका 20% इसका पार्ट ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं सोइल, पॉटिंग मिक्स और काउडंग। आप चाहें तो इसकी जगह पर रेत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिट्टी इतनी पोरस होनी चाहिए कि उसमें पानी रुके ना और पौधों की जो जड़ें हैं वो उसमें बंध के ना रहे, बल्कि खुली मिट्टी इतनी खुली हो कि पौधे आराम से उसमें जड़ें को फैलने की जगह मिल जाए। जैसे कि हम देखते हैं कि नर्सरी से कभी हम प्लांट लाते हैं तो वो ऑलरेडी पीली मिट्टी में, सिर्फ मिट्टी में लगाए हुए होते हैं, तो हमें उनको रिपोर्ट करने की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है। और पौधे के गमले का चुनाव पौधे की प्रकृति के हिसाब से करें। अगर पौधा आपको पता है कि इसकी जड़ें ज़्यादा नहीं फैलती, छोटा है, तो उसके लिए आप छोटा गमला लेंगे तो भी काफ़ी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये पौधा बड़ा है और इसकी जड़ें जो हैं वो गहरे तक जाती हैं, तो बड़े गमले का इस्तेमाल करें। इन तीनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इस मिक्सचर से गमले को भरेंगे। आधा जो है इस गमले को हमने इस मिट्टी से भर दिया है। अब मैं इस प्लांट को इसमें प्लेस करूंगी। देख सकते हैं इसकी रूट जो है, पौधे की रूट मैंने किसी को भी नहीं छेड़ा है, एज इट इज मैंने इस प्लांट को इसमें रख दिया है। अब जो साइड में जो स्पेस खाली बचा है हम उसको इस पॉटिंग मिक्स से फिल कर लेंगे।
गमले को कभी भी पूरा ना भर के कुछ प्लेस कुछ जगह जो है उसको छोड़ दें, ताकि जब हम बाद में कभी इसमें खाद मिक्स करें या पानी दें तो उसके लिए कुछ जगह उस पॉटिंग मिक्स के लिए हमें या उस खाद के लिए हमें छोड़ देनी चाहिए। आप देख सकते हैं कुछ इंच गमला जो है मैंने खाली रखा है, ये देखिए कुछ इंच गमला जो है मैंने खाली रखा है। आप इसको अच्छे से दबा लें मिट्टी को, ताकि इसमें किसी तरह की एयर नहीं रहे। अब हम इस गमले को टैप करेंगे। टैप करने के बाद आप देख सकते हैं कि प्लांट बिल्कुल अच्छे से इसमें सेटल हो गया है। अब इसको हम अच्छे तरह से पानी देंगे, क्योंकि इसमें गोबर की खाद और पॉटिंग मिक्स ऑलरेडी है, तो हमें इसमें अभी किसी तरह की खाद ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पौधे को जब हम पानी देंगे तो ये ध्यान रहे, चाहे आप गमले से दें या किसी से भी दें, लेकिन पौधों की जड़ों से थोड़ा दूर दें, ताकि पौधे को अच्छे से सेटल होने के लिए जगह मिल जाए। हम पौधे की बिल्कुल पास से पानी देने से पौधे की जड़ें जो हैं वो हिल जाती हैं। आने वाली वीडियो में फिर मैं आपको इस प्लांट की पूरी केयर और किस तरह से इसकी देखभाल करें और इसकी ग्रोथ भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं प्लांट को मैंने पूरे अच्छी तरह से पानी पिला दिया है, और कुछ ही दिनों में 5 या 6 दिनों में ये प्लांट बिल्कुल सेटल हो जाएगा और इसमें नई लीव्स और नई पत्तियां भी आनी शुरू हो जाएंगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।